पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जिसे शायद आज हम सब लोग भूल गए हैं, वही खिलाड़ी जिसने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 13 विकेट हासिल करके पाकिस्तान को चैंपियन बनाया था। वही खिलाड़ी जिसे ICC मैन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल है, वही खिलाड़ी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। Special award for the ICC Emerging Cricketer of the Year. It goes to Hasan Ali. May I invite Hasan Ali to please come forward and receive the award from legendary Waqar Yunus. तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम हसन अली के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह हमारी आंखों के सामने हसन अली का करियर खत्म हुआ। It's not made any better. Wowee, that's a big moment. Oh, superb. Superb. हसन अली ने लगातार 3 सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेला और फिर उसके बाद 2016 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनी। उन्होंने 18 अगस्त 2016 को आयरलैंड के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया। Oh, he's chipped that back. Again, he picks up a wicket. 37 wickets this year for Hasan. 7 सितंबर 2016 को हसन अली ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया और मई 2017 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। हसन अली ने 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला 5 विकेट हार लिया। उन्होंने 50 T20 मैचेस खेलकर टोटल 60 विकेट हासिल किए हैं और 24 टेस्ट मैचेस खेलकर 80 विकेट हासिल किए हैं। बॉल देम बॉल देम Oh, straight up, this will be it. This will be 5 for Hasan Ali. Oh, bowling! Slow ball, maybe variation did the trick. हसन अली ने अपना PSL डेब्यू पिशावर जर्मी टीम की तरफ से किया और 2016-2017 के एडिशन में पिशावर जर्मी टीम का हिस्सा रहे। हसन अली पिशावर जर्मी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं और हमेशा अपने परफॉर्मेंस से सब लोगों को एंटरटेन किया है। Oh, that's close. That is close. Finger is up. And result for Hasan Ali. Massive. हसन अली की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से उन्हें 2017 के चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया गया और इस टूर्नामेंट में हसन अली ने अपनी बॉलिंग से बड़े बल्लेबाजों को हैरान किया और सबसे ज्यादा 13 विकेट लेने वाले बॉलर बन गई और फाइनल मैच में इंडिया के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। 2017 का साल हसन अली के करियर का गोल्डन एरा माना जाता है। हसन अली को टीम में शामिल किया गया लेकिन हसन अली कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसके बाद 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी खेलने का मौका दिया गया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में हसन अली से एक कैच ड्रॉप हो गया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गयी। हसन अली बेहतरीन बॉलिंग के साथ अच्छी बैटिंग भी कर लेती थी लेकिन 2021 के T20 वर्ल्ड कप में एक कैच ड्रॉप होने की वजह से ये बेहतरीन बॉलर सारी लोगों की नजरों में बुरी बन गई। हसन अली अब भी टीम में वापस आने के लिए काफी मेहनत कर रहा है। क्या आप भी मेरी तरह हसन अली को वापस टीम में देखना चाहते हैं?